देखिए बेटा, नोटबुक के वर्क के साथ साथ आज आपको बुक में भी वर्क करना है। आपको अपनी बुक निकालनी है, मैथ्स प्राइमर, ठीक है। अब देखिए इसमें चैप्टर है, चैप्टर वन है हमारा बिग एंड स्मॉल, यानी कि बड़ा और छोटा। बड़ी पिक्चर के ऊपर आपको राइट का टिक लगाना है, छोटी पिक्चर के ऊपर आपको क्रॉस का टिक लगाना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारी क्या है, बस और कार। बस बड़ी है तो कैसा टिक लगाना है हमें, राइट का, और कार छोटी है तो कैसा लगाना है, क्रॉस का। इसी तरह आपको ये वाली पिक भी देखनी है, इसमें ये एक तलवार है और एक ये चाकू है। तलवार बड़ी है तो कैसा निशान है इस पर, राइट का, और चाकू छोटा है तो क्रॉस का। इस तरह आपको ये भी कंप्लीट करना है, ये भी कंप्लीट करना है, और ये वाला भी कंप्लीट करना है। ये पूरा पेज नंबर थ्री आपको, ये लिख रहा पेज नंबर थ्री आपको कंप्लीट करना है। फिर आप आएंगे पेज अगले पेज पर, पेज नंबर फोर पर। पेज नंबर फोर यहाँ पर है लॉन्ग एंड शॉर्ट, यहाँ पे लंबा, बड़ा और छोटा। इसमें देखिए यहाँ पे दिखाई दी है बड़ी बोतल है, ये ट्यूब छोटी है, तो बड़ी के ऊपर राइट का टिक है, छोटी के ऊपर क्रॉस का टिक है। इसी तरह इसको भी आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर एक आदमी और बच्चा दिखाया है, आदमी बड़ा है और बच्चा छोटा है, आदमी के ऊपर सही का टिक और बच्चे के ऊपर क्रॉस का टिक। इसी तरह आपको ये वाला पेज भी कंप्लीट करना है और ये वाला पेज भी कंप्लीट करना है। इसको देखिए, टेल एंड शॉर्ट, लंबा और छोटा। इसमें जो लंबी चीज़ है उसके ऊपर सही का टिक, छोटी चीज़ के ऊपर क्रॉस का टिक। जैसे यहाँ पर एक पेड़ दिखाया दिया है, एक पौधा, पेड़ लंबा है तो इसके ऊपर सही का टिक लगेगा और पौधा छोटा है तो क्रॉस का टिक लगेगा। इसी तरह आपको ये वाला पेज भी कंप्लीट करना है। बुक में आपको पेज नंबर थ्री, फोर और फाइव, और एक ये पेज है आपका हाई एंड लो, ऊंचा और नीचा। देखिए यहाँ पर एक एरोप्लेन है, ये ट्रेन है। एरोप्लेन ऊंचा उड़ता है तो यहाँ पर सही का टिक है, ट्रेन नीचे चलती है तो क्रॉस का टिक है। यहाँ पर एक कोट है और पैंट है, कोट ऊंचा है तो सही का टिक है और पैंट नीचे है तो क्रॉस का टिक है। आपको इस तरह ये वाला पेज भी कंप्लीट करना है, यानी कि आप